मैं आपको 3 स्टेप्स बताने वाला हूँ जो अगर आप अच्छे से यूज़ करोगे तो आपको इंग्लिश डेफिनेटली आ जाएगी। मैंने ये स्टेप्स अपने लाइफ में यूज़ किए हैं और इसका रिजल्ट्स मुझे बहुत अच्छा आया है। हे गाइस, मैं रौनक एंड वेलकम बैक टू द अनदर एपिसोड। आज हम बात करने वाले लर्न इंग्लिश के बारे में। एक्चुअली इसमें बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल है, लेकिन मुझे लगा कि इसमें कुछ ना कुछ चीज़ें मिसिंग है, कुछ मिस्टेक्स मिसिंग है, कुछ चीज़ें जो एक्चुअल में प्रैक्टिकल में पॉसिबल नहीं है या जो लोग एक्चुअल में करते नहीं है। तो इसलिए मैंने सोचा कि जो मैंने खुद की लर्निंग से उसके बारे में आपको बता दूँ। एक्चुअली इंस्टाग्राम में बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट की कि तुम इतने सारे बुक्स पढ़ते हो, इतने सारे पॉडकास्ट सुनते हो, तुम बहुत ही मतलब प्रोडक्टिव ज़्यादा हो। ऑब्वियसली मुझे प्रोडक्टिव होना बहुत पसंद है, इसलिए बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट की कि तुम्हारी इंग्लिश की तरीका क्या है, तुम कैसे इंग्लिश सीख ले, तो उसके बारे में बात करने वाले। फर्स्ट, उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूँ। 5th स्टैंडर्ड तक मुझे इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं था, मैं मराठी मीडियम से हूँ। यूजुअली अगर आप महाराष्ट्र में हो, महाराष्ट्र की सिटी में हो, तो यूजुअली वहाँ पे मराठी मीडियम के स्कूल्स होते हैं। और 5th स्टैंडर्ड तक मुझे कोई भी इंग्लिश का सब्जेक्ट नहीं था। उसके बाद इंग्लिश का सब्जेक्ट आया और वहाँ से पता चला कि एक्चुअल की इंपॉर्टेंस कितनी है इंग्लिश की। फिर मैंने उस पर एक्चुअल में वर्क करना शुरू किया। मैंने बहुत सारी गलतियाँ की, मैंने बहुत सारे पापड़ बेले, बहुत सारे लोगों से बात की, बहुत सारी चीज़ें की, लेकिन एटलीस्ट अब मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि मुझे ढंग की इंग्लिश तो डेफिनेटली बोलनी आती है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर मैं आपको डेमो देता हूँ तो आई गेस आपके लिए वो ज़्यादा बेटर रहेगा। इट्स नॉट लाइक दैट आई डोंट वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश, इट्स नॉट लाइक दैट आई हैव अ बीफ विथ इंग्लिश, बट द प्रॉब्लम इज द रीज़न आई मेक वीडियोज इन द हिंदी, बिकॉज आई नो द स्ट्रगल, आई नो द प्रॉब्लम, वॉट टाइप ऑफ प्रॉब्लम यूजअली पीपल फेस वैन दे ट्राई टू स्पीक इन द इंग्लिश। दैट्स द रीज़न एंड ऑल द इंडियन पीपल्स नो हिंदी एटलीस्ट वेरी वेल, दे ऑल नो इंग्लिश लिटल बिट, बट दे आर वेरी कम्फर्टेबल इन द हिंदी। दैट्स द रीज़न आई मेक वीडियोज इन द हिंदी। तो आपको पता चल गया होगा कि इंग्लिश मुझे आती है, लेकिन मैं तभी भी वीडियोज़ हिंदी में बनाता हूँ ताकि अच्छे से आप लोगों से कनेक्ट हो जाओ। अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पर जाके देखोगे तो वहाँ पर सारे पोस्ट वगैरह आपको इंग्लिश में ही मिलेंगे, लेकिन यूट्यूब में मैं वीडियोज़ हिंदी में बनाता हूँ ताकि आप लोगों को ईजी से कनेक्ट हो जाओ, आप लोगों को अच्छे से चीज़ें समझा सकूं। और हिंदी यूजुअली कनेक्ट होने में या अगर आपको पहले से पता हो तो बहुत इजी हो जाता है। सो लेट्स डीप डाइव इनटू द 3 स्टेप्स फॉर्मूला जो मैंने खुद अप्लाई किया है, जो मुझे खुद पसंद है, और इससे बहुत अच्छे से आप इंग्लिश सीख सकते हो। इसमें मैं बहुत सारी मिस्टेक्स भी बताने वाला हूँ, बहुत सारी जो गलतियाँ मैंने की जो आप एटलीस्ट अवॉइड कर सकते हो उसके बारे में भी बात करेंगे। इसके 2 पार्ट्स आने वाले हैं, तो उसके लिए अगर आप सब्सक्राइब कर दोगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन सबसे पहले ये 3 स्टेप्स बताने से पहले आपको मैं एटलीस्ट कुछ चीज़ें बता देता हूँ। गलतियाँ बहुत सारी होगी, बहुत सारे आपको पापड़ मिलने पड़ेंगे, लेकिन इट्स ओके, आप खुद के लिए कर रहे हो, आपकी लाइफ के लिए कर रहे हो। अगर आपको अच्छा जॉब चाहिए, अच्छी आगे वाली लाइफ चाहिए, तो ये आप खुद के लिए कर रहे हो, ये ध्यान में रखना। गलतियाँ बहुत सारी होगी, मिस्टेक्स भी बहुत सारे आप करोगे। सिंपल है, अगर आपको साइकिल चलाना है, अगर आप कभी गिरोगे नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा कि एक्चुअल साइकिल कैसे चलानी है। सब लोगों ने ये एक्सपीरियंस बचपन में किया होगा, मैंने भी किया था। तो वैसे भी इंग्लिश सीखने के टाइम पे बहुत सारी गलतियाँ होती है, एंड इट्स ओके अगर आप कोई गलतियाँ कर देते हो। अगर मैंने जब गलतियाँ की थी तो जो सामने वाला मुझे बता था कि ओके ये गलती हो गई, लेकिन दो तीन दिन बाद वो गलती एक्चुअली लोग भूल जाते हैं। तो उसमें ज़्यादा फोकस मत करना, अपने लाइफ में फोकस करना, क्योंकि आपकी लाइफ आपके लिए सबसे ज़्यादा प्रीसियस है। जब मैंने सीखना शुरू किया था तो बेसिक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो 2 या 3 ही प्रॉब्लम थी कि जिसके बारे में पहले हम बात करेंगे। वो थी कि अगर आप अपने माइंड में बात करते हो इंग्लिश में तो आप 100% एक्यूरेट बात करते हो, मतलब आपको पता होता है कि आप सही बात कर रहे हो, जैसे आपको लगता है अगर आप अपने माइंड में बात करते हो। लेकिन जब आप सामने किसी के साथ बात करना होगा तभी आपको प्रॉब्लम आता है, राइट? यही सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम है। और दूसरा प्रॉब्लम है आइदर प्रोनाउंसिएशन और द ग्रामर और सेंटेंस क्रिएशन, वो सबसे बड़ा सेकंड प्रॉब्लम है कि आपको पता नहीं है कि ओके ये जो मैंने सेंटेंस क्रिएट किया है वो सही है या गलत है, या मैं ये जो वर्ड बोल रहा हूँ उसका प्रोनाउंसिएशन गलत है या सही है, ये आपको पता नहीं होता है। तो इसके ये 2 एक्चुअली मेजर प्रॉब्लम है कि जो मोस्ट ऑफ द लोग फेस करते हैं। मैंने भी ये 2 प्रॉब्लम फेस किए थे, तो इसके बारे में ही एक्चुअल में डिटेल में बात करेंगे। द फर्स्ट स्टेप, वॉचिंग इंग्लिश मूवीज। बहुत सारे लोग आपको बताएंगे कि आप इंग्लिश मूवीज़ देखो, ये देखो, वो देखो, लेकिन एक्चुअल में उसको देखने कैसा ये कोई भी नहीं आपको बताएगा। दैट्स द बेसिक प्रॉब्लम आई सॉ इन ईच एंड एवरी वीडियो। आप कितने भी सारे वीडियोज़ देख लो इंग्लिश पे, वो सब कुछ यही बोलेंगे, अरे यार इंग्लिश मूवीज़ देखो, अरे यार इंग्लिश मूवीज़ विद सब टाइटल देखो। लेकिन एक्चुअली उसका रीज़न क्या है, उसके पीछे का रीज़न क्या है, आपको कोई नहीं बताएगा। यूजुअली आप लोग क्या करते हो, या मैं भी वही करता था, कोई भी अगर इंग्लिश मूवी आ गई तो उसका डब वर्जन कब आता है, उसका हिंदी वर्जन कब आता है, उसके लिए मैं वेट करता था। लेकिन एक टाइम बाद मैंने वो स्टॉप कर दिया। मैंने जैसे इंग्लिश में वीडियोज है वैसे ही डाउनलोड करना शुरू कर दिए और उसका सब टाइटल के साथ ही देखने लगा। लेकिन इसका रीज़न एक ही है, इसका रीज़न जो मैंने अपने आपको सेकंड प्रॉब्लम बताया, ग्रामेटिकल सेंटेंस एंड द प्रोनाउंसिएशन, उसके बारे में हम बात करेंगे। अगर आप
कोई वर्ड आप 10 बार सुनते हो तो आपके दिमाग में बैठ जाते हैं। तो यही होता है, अगर आप एक ही वर्ड 10 मूवी में देखोगे ना तो आपको उस वर्ड की 100% गारंटी हो जाए कि ओके इस वर्ड को ऐसे प्रोनाउंस करते हैं या इस वर्ड को यहाँ पे रखते हैं। ये आपको पता चलने के लिए आपको सबटाइटल की ज़रूरत होती है, और आपको ऑडियो इंग्लिश में सुनना है इसलिए क्योंकि आपको उसका प्रोनाउंसिएशन पता चले। यही बेसिक रीज़न है वॉचिंग इंग्लिश मूवी। तो आप अपना कितना कॉन्सेंट्रेशन दे के आप मूवीज़ देखते हो उस पर सारी चीज़ें डिपेंड है। मैं आपको 2 एग्जाम्पल्स दूंगा जो मैंने गलतियाँ की थी। फर्स्ट वन इज़ ये जो वर्ड आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हो, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है। मैं अगर आप मुझे 1 साल पहले पूछोगे तो माइथोलॉजी में ऐसे बोलता था, यानी कि ऑब्वियसली गलत था, यानी कि मुझे भी पता नहीं था इसका प्रोनाउंसिएशन सही है या गलत है। बट मैंने जब सिर्फ ये वर्ड पढ़ा था तो सिर्फ मुझे इसका पता था कि इसे माइथोलॉजी बुलाते हैं। लेकिन ये वीडियो ये जो वर्ड है मैंने बहुत सारी मूवीज़ में, बहुत सारे कोरियन मूवीज़ में वगैरह ये सुना, तो उसके बाद मुझे पता चला कि इसका एक्चुअल में प्रोनाउंसिएशन मिथोलॉजी है, जो मैंने गलती की थी। और मैं 100% एक्सेप्ट करता हूँ कि मुझे प्रोनाउंसिएशन पता नहीं था। अगर आप मेरे पुराने वीडियो जाके देखोगे तो वहाँ पे मैंने इसे माइथोलॉजी बोला है, बट एक्चुअली इसका प्रोनाउंसिएशन मिथोलॉजी है। तो इसीलिए आपको इंग्लिश मूवीज़ इंग्लिश में ही सुननी ज़रूरी है ताकि आपको उसका प्रोनाउंसिएशन पता चले। अगर आपको प्रोनाउंसिएशन पता नहीं चलेगा तो आप बोलने के टाइम पे कुछ गलत प्रोनाउंस ना करो। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये गलती मैंने की है, बहुत बार की है, बहुत सारे वर्ड्स के साथ की है, तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। अगर आपको ये अवॉइड करना है तो एटलीस्ट इंग्लिश वीडियोज़ या इंग्लिश पॉडकास्ट है वो इंग्लिश में ही सुना करो, उसके सबटाइटल के साथ देखा करो, ताकि आपको हर वर्ड का प्रोनाउंसिएशन पता चले। द सेकेंड एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू गिव यू इज़ कार। हम सबको कार पता है, लाइक 4 व्हीलर को हम कार बोलते हैं यूजुअली, तो कार सबको पता है। बट यहाँ पे एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, अगर आप इसका प्रोनाउंसिएशन देखोगे तो कार हम आर यानी कि जो एंड वाला शब्द है उस पर बहुत प्रेशर देते हैं। आप कोई भी मूवीज़ ओपन करो जहाँ पे कार ये वर्ड है और उसका आपको प्रोनाउंसिएशन देखो, तो आपको पता चलेगा कि आर जो है यानी कि सेकेंड वर्ड है वो बहुत ही साइलेंट है, वो सिर्फ का बोलते हैं कार, यानी कि आर जो है बहुत ही साइलेंट है। इसलिए बोल रहा हूँ ये आपको मिस्टेक्स अवॉइड करनी चाहिए। ये मिस्टेक्स यूजुअली कोई नहीं बताता, बट आपको मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये मिस्टेक्स मैंने फेस की है और मुझे पता है इसलिए। तो स्टेप वन यही है कि इंग्लिश मूवीज़ है वो इंग्लिश में ही डाउनलोड करना, विथ सबटाइटल डाउनलोड करना, और पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ देखना कि हर्ड वर्ड को वो एक्चुअल में क्या प्रोनाउंस करते हैं, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द सेकेंड मोस्ट प्रॉब्लम इज टॉकिंग, और स्टेप्स टू भी है वही है टॉकिंग। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होता है कि वो अपने माइंड में 100% बोल रहे थे लेकिन किसी के सामने बोलना हो तो प्रॉब्लम हो जाता है, राइट? तो इसका सबसे बढ़िया सोल्यूशन है आपका मोबाइल फ़ोन, इससे बेटर कोई ऑप्शन है ही नहीं। आपने अपना मोबाइल फ़ोन का सेल्फी कैमरा ऑन कीजिए, वीडियो पर क्लिक कीजिए, और आपका जो भी फेवरेट टॉपिक है, आपका फेवरेट टॉपिक पॉलिटिक्स है, आपकी फेवरेट जो भी बुक है या आपका कोई भी फेवरेट टॉपिक है उसको लीजिए, और उस वीडियो के सामने आप अपने आप को खुद को देख के बात करने के लिए शुरू कर देना। इससे क्या होगा, आपको बोलने के लिए एक पर्सन भी मिल जाएगा, और आप वो सारी चीज़ें जो जो बोलते हो, आपके जो जो एक्सप्रेशंस हो गए, आप कहाँ देखते हो, आप क्या क्या चीज़ें करते हो, ये सारी आप रिकॉर्ड कर पाओगे। इससे आपको 2-3 फायदे हो सकते हैं। एक, आपको जब आप ये वीडियो रिकॉर्ड करोगे तो आपको बोलने के लिए कोई ना कोई डेफिनेटली होगा पर्सन। तो अगर आप मिरर भी यूज़ कर सकते हो, बट मैं मिरर आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। आप बेटर है कि आप अपना खुद का वीडियो रिकॉर्ड करो ताकि आपको आगे जाके बहुत फ़ायदा हो जाए। तो इसका रीज़न मैं बताता हूँ, क्योंकि जब आप अपनी लाइफ यानी कि अपने आप जब आप रिकॉर्ड कर देते हो तो बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलेगी। फर्स्ट, आपके एक्सप्रेशंस पता चलेगी। सेकंड, आप जब किसी से बात कर रहे हो तो आपको कहाँ पे देखते हो, आप वहाँ पे देखते हो, यहाँ पे देखते हो, नीचे देखते हो, कहाँ पे देखते हो, या सामने की वाले की आँखों में आँखें डाल के देखते हो, ये चीज़ें आपको पता चलेगी, ताकि आपकी बॉडी लैंग्वेज भी अच्छी हो जाए, आपकी इंग्लिश भी अच्छी हो जाए। थर्ड थिंग, आपके पास वीडियो है तो आप वो वीडियो कभी भी देख सकते हो। आपके पास जो भी टीचर है, आपके जो भी टीचर है, उन्हें जाके वीडियो दिखाइए जो आपके अच्छे टीचर है, जिस जो आपको कभी क्रिटिसाइज़ नहीं करेंगे, या जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो आपको क्रिटिसाइज़ नहीं करेंगे, उनको जाकर ये वीडियो दिखाइए ताकि उनको पता चले, वो आपको मिस्टेक्स बता दें कि ये गलती हो गई, यहाँ पे ये गलत हो गया, इसका प्रोनाउंसिएशन गलत है, ताकि आपको ये सारी चीज़ें पता चले और उस नेक्स्ट टाइम आप उसे इम्प्रूव कर पाओ। स्टेप थ्री, यूज़ वर्ड्स। वर्ड्स कह सकते हो या इसको आप वोकैब कह सकते हो, आप जो भी कहो, यानी कि आपके पास वर्ड्स होना ज़रूरी है। और वर्ड्स आपके पास कैसे आएंगे, बहुत सारी चीज़ें आप सुनोगे पढ़ोगे तभी आपके पास वर्ड्स आएंगे। इस पर एक मैं प्रॉपर वीडियो बनाने वाला हूँ कि जहाँ पे ये चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा कि आपको क्या चीज़ें करनी है जिससे आपका वोकैब बढ़ जाए, आपको बहुत सारे वर्ड्स की मीनिंग पता चल जाए। इस पर एक प्रॉपर वीडियो बनाने वाला हूँ, शायद मैं नेक्स्ट वीक इस पर वीडियो डाल दूंगा। तो उसके लिए आप डेफिनेटली सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अगर आपने वो वीडियो मिस कर दिया तो बहुत सारी चीज़ें आप मिस कर दोगे। तो इसलिए आपको डेफिनेटली सब्सक्राइब कर दो चैनल को। तो थर्ड स्टेप क्या, आपको मैं अभी बेसिक बता देता हूँ।
करता हूँ, क्योंकि उसमें अगर ज़्यादा डीप जाऊँगा तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और आपको उतना बड़े वीडियोस पसंद नहीं है, मुझे पता है। तो बेसिकली आपको रीडिंग करनी बहुत ज़रूरी है। यूजुअली बहुत लोग कहते हैं बुक्स वगैरह पढ़ो पढ़ो पढ़ो, बट आई नो बहुत सारे लोगों को बुक्स पढ़ना पसंद नहीं है। तो यूजुअली आप दो चीज़ें कर सकते हो, आपके पास मोबाइल है, मोबाइल पर आप गूगल प्ले स्टोर पर जाओ, कोरा नाम का एप्लीकेशन आता है वो डाउनलोड करो, क्योंकि रेडिट वो नहीं है तो रेडिट नाम का एप्लीकेशन है वो डाउनलोड करो। दो चीज़ों में से आपको जो जो आपके फेवरेट टॉपिक्स है, आपको न्यूरो साइंस पसंद है, पॉलिटिक्स पसंद है, बुक्स के बारे में पढ़ना पसंद है, जो भी आपको चीज़ें पसंद है उसको सब्सक्राइब कर दो। साइकोलॉजी पढ़ना पसंद है, वो सारी चीज़ों को आप अपने स्पेस यानी कि कोरा पे उसे स्पेसेस बोलते हैं, तो वहाँ पे जाके ऐड कर देना। और एटलीस्ट दिन में दो आर्टिकल तो डेफिनेटली पढ़ सकते हो, उतना टाइम तो आपके पास है। एक मॉर्निंग में जब आप उठते हो तो एटलीस्ट वो उस टाइम पे एक आर्टिकल पढ़ना, और जब सोने के टाइम पे वहाँ पे एक आर्टिकल ज़रूर पढ़ना। तो दो आर्टिकल के लिए आपको खुद के लिए टाइम निकालना पड़ेगा, एटलीस्ट मैं तो बता सकता हूँ। अगर आप ये चीज़ें दिल से करते हो तो आपके लिए डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। मुझे फ़ायदा हुआ है, आप मेरी कोरा प्रोफाइल जाके चेक कर सकते हो, आप मेरी रेडिट प्रोफाइल जाके चेक कर सकते हो, वहाँ पे मैंने कितने सारे चीज़ों को सब्सक्राइब करके रखा है, जो जो मेरे फेवरेट टॉपिक्स है, जो जो मुझे पसंद है वो सारे मैंने किए। तो एटलीस्ट मैं आधा घंटा तो उस पर डेफिनेटली स्पेंड कर रहा हूँ, ताकि दो चीज़ें आपको पता चले। एक तो बहुत सारे नए वर्ड्स आपको पता चलेंगे, लेकिन वो तभी पता चलेंगे आप अगर उसको यूज़ करते हो तो। सेकेंड, आपको उस अपने टॉपिक के बारे में नॉलेज पता चलेगा, आपको बहुत सारी उसके बारे में नई चीज़ें पता चलेगी। तो ये थी स्टेप्स थी, इस पर एक प्रॉपर वीडियो में डेफिनेटली बनाने वाला हूँ, ताकि आपका वो कैप डेफिनेटली बढ़ जाए। बट इसका एक बेसिक मीथ बताने वाला हूँ, आपको दुनिया के सारे वर्ड्स पसंद होना पता होना नहीं चाहिए। आपको अगर बेसिक 2000 वर्ड्स भी पता होना तो आपके लिए काफ़ी है, आप अच्छे से इंग्लिश बोल सकते हो। कोई ज़रूरत नहीं है आपकी दुनिया को सारे वर्ड्स पता होना, क्योंकि एक सिंपल वर्ड है उसका आप कोई हाई क्वालिटी वर्ड यूज़ करोगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत स्मार्ट हो। हाँ, शशि थरूर आपको डेफिनेटली नहीं बना, आपको सिर्फ लाइफ में सर्वाइव करना है, आपको आगे से अच्छे से बात करना है, कम्युनिकेशन करना है, इसके लिए आपको इंग्लिश लैंग्वेज चाहिए, राइट? तो इसके लिए आपको बेसिक वर्ड्स अगर भी मालूम हो तो भी अच्छा है। ये तीनों स्टेप्स को बता दिया, लेकिन आप इसमें से कोई भी स्टेप्स मिस करोगे या कोई भी स्टेप्स अपने दिल से नहीं करोगे तो बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। सो मेरी सिंसियर रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, ये तीनों स्टेप्स डेफिनेटली फॉलो करना। बहुत ही कम स्टेप्स बताए मैंने, कुछ ऐसे बहुत बड़ा आर्टिकल वगैरह नहीं लिखा या बहुत सारे स्टेप्स नहीं बताए, आपको मैंने सबसे बेसिक स्टेप्स बनाए। ये तीनों स्टेप्स कनेक्टेड है, मैं आपको डेफिनेटली बता देता हूँ वो कैसे। फर्स्ट थिंग, जब आप कोरा पे कोई आर्टिकल पढ़ोगे, जैसे आप मिथोलॉजी की बात कर लेते हैं, आपने ये मिथोलॉजी वर्ड पढ़ा, आपको इसका मीनिंग पता नहीं है तो इसको आपको पता चला क्योंकि ये वर्ड है, लेकिन वहाँ पे वर्ड आपको नया पता चला लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन कैसा है आपको पता नहीं है, राइट? तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको स्टेप्स वन पे जाना पड़ेगा। स्टेप वन क्या है, मूवीज़, वॉच मूवीज़ विद सबटाइटल, वहाँ पे वो आपको वर्ड सुनाई देगा तो उसका आपको प्रोनाउंसिएशन समझ में आ जाएगा। उसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, मिथोलॉजी। अब आपको प्रोनाउंसिएशन पता चल गया, वो वर्ड पता चल गया, अब आपको वह वर्ड अपनी लाइफ में यूज़ करना है। उसके लिए क्या करनी है, स्टेप टू, स्टार्ट टॉकिंग, खुद से बात करना शुरू करो। और जब जब ये सारी तीनों चीज़ें साइकिल है, अगर ये तीनों चीज़ें आप डेफिनेटली फॉलो करोगे तो आप एक साइकिल में आ जाओगे, और अगर एक साइकिल में आ जाओगे तो आपकी इंग्लिश डेफिनेटली अच्छी हो जाएगी। इस पर बहुत सारे अभी वीडियोज़ आने वाले, बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किए बहुत सारे नए वीडियोज़ के लिए, उस पर सारे वीडियोज़ आने वाले, तो इसलिए डेफिनेटली सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको और कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए या किसी बुक का रिव्यू वगैरह चाहिए या इसमें से कोई टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताना, या मुझे इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे मुझे DM कर देना, वहाँ पे मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर डेफिनेटली दे दूंगा। अपना खुद का पॉडकास्ट भी है रौनक शाह शो, आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो, वहाँ पे बहुत सारे अच्छे अच्छे ऑथर्स TEDx स्पीकर्स का इंटरव्यू वगैरह अवेलेबल है, वो आप जाके सुन सकते हो ताकि आपको अच्छा नॉलेज मिल जाए। तो यही सब कुछ था आज के वीडियो के बारे में, आई होप ये तीन स्टेप्स आपको पसंद आए होंगे। तो अगर आप ये अपने लाइफ में अप्लाई करना चाहते हो तो बस एक लास्ट रिक्वेस्ट है, अगर आप ये वीडियो देख के अगर आप इमीडिएटली स्टार्ट नहीं करते हो ना तो आपके अभी जो 5-10 मिनट हो गए वो वेस्ट हो जाएंगे। तो इसलिए ये वीडियो स्टॉप करके कोई और एंटरटेनमेंट वाला वीडियो देखने के लिए मत जाना, ये तीन स्टेप बहुत ही सिंपल स्टेप बताए, एटलीस्ट वो यूज़ कर देना ताकि आपकी लाइफ बेटर हो जाए। इससे मुझे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला, इसमें कोई स्पॉन्सर वगैरह नहीं है सैडली, तो इसमें मुझे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला, लेकिन जो मैंने गलतियाँ की है उससे आपको कुछ बता दूँ, इसलिए ये वीडियो था। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।